अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी डॉक्टर सलमान खान फ्रॉम क्लियर विजन आई केयर एंड ऑप्टिक्स। आज का टॉपिक है ग्लूकोमा, जिसको आप काले मोतिया बोलते हैं। ये मोस्टली ओल्ड एज के लोगों में होता है, आफ्टर 60 ये डिजीज़ होती है और कंजेनिटली भी हो सकता है। और जिन लोगों को ग्लूकोमा होता है 50% को पता भी नहीं होता कि उनको ग्लूकोमा है, बिकॉज इसकी सिम्टम्स इतनी नहीं होती, पेशेंट को पता नहीं चलता दैट ही हैव ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को हम ऑप्टिक नर्व डिजीज़ बोलते हैं बिकॉज इसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। व्हाट इज़ ऑप्टिक नर्व? जो हमारे आंख के बैक साइड पे नर्व है उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जो विजुअल मैसेजेस सेंड करता है हमारे ब्रेन को। ये क्यों डैमेज होता है? जो एक्वस ह्यूमर है, फ्लूइड है बिटवीन द कॉर्निया और हमारे आयरस के बीच एक फ्लूइड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सिलरी मसल्स। आंख के सिलरी मसल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं और वो नॉर्मली ट्रबैकुलर मैश्योर के थ्रू हमारे आई से ड्रेन आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे ट्रबैकुलर मैश्योर साइड पे कोई ब्लॉकेज हो गई, मसला आ गया और ये फ्लूइड ड्रेन आउट नहीं होता, तो इस वजह से हमारे आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे ऑप्टिक नर्व पे जोर पड़ता है और उसके फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं। मोस्टली ग्लूकोमा पेशेंट में अर्ली सिम्टम्स नहीं होते क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि उनके आंख का प्रेशर बढ़ रहा है या उनके ऑप्टिक नर्व पे जोर पड़ रहा है। इसमें मोस्टली हमारे जो पेरिफ्री विजुअल फील्ड डिस्टर्ब होते हैं, जो पेरिफ्री की नज़र होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और हमें साइड से ब्लैक नज़र आता है और एडवांस ग्लूकोमा स्टेज में बिल्कुल टनल विजन रह जाती है। इसलिए हम आप सबको बोलते हैं कि आप लाजमी आफ्टर 6 मंथ्स नहीं तो आप साल में एक बार लाजमी कम्प्रिहेंसिव आई एग्ज़ाम किया करें, जिससे ये ग्लूकोमा जैसी डिजीज़ डिटेक्ट होती है थ्रू कम्प्रिहेंसिव आई एग्ज़ाम। जो पेशेंट होता है जिसको ग्लूकोमा होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें सीवियर हेडेक होता है, जब लाइट को देखता है तो हेलोज अराउंड द लाइट इसमें नज़र आता है, नोजिया, सीवियर नोजिया इसमें होता है। तो ये सिम्टम्स हैं ग्लूकोमा के। डायग्नोसिस में हम फुल कम्प्रिहेंसिव आई एग्ज़ाम करते हैं, आपका टोनोमेट्री करते हैं। व्हाट इज़ टोनोमेट्री? आपके आंख का प्रेशर मालूम करते हैं कि आंख का प्रेशर ज़्यादा है या कम है। नॉर्मली ये 10 to 21 mmHg होता है, अगर ये इससे ज़्यादा है तो जस्ट इट इज़ अ फैक्टर कि आपको ग्लूकोमा है कि नहीं। लाजमी नहीं है कि आपको प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो आपको ग्लूकोमा है, क्योंकि एक ग्लूकोमा की टाइप है जिसको हम नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा बोलते हैं, उसमें आंख का प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होता है फिर भी आपको ग्लूकोमा होता है। विजुअल फील्ड टेस्ट करते हैं आपके, क्योंकि ग्लूकोमा में पेरिफेरी की विजन ख़राब होती है, ब्लैक नज़र आता है हमें साइड से। कॉजेज अभी तक इसके सही मालूम नहीं है कि क्यों ग्लूकोमा कॉज होता है, लेकिन एसोसिएटेड फैक्टर्स में या तो जेनेटिकली है या विद एज है या ट्रॉमा की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की वजह से ग्लूकोमा कॉज हो सकता है, लेकिन स्टिल इस पर रिसर्चेस हो रही है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम आपको मेडिकेशन लिख के देते हैं जो आपके आंख का प्रेशर को कंट्रोल करता है। वो मेडिकेशन जो ग्लूकोमा पेशेंट होता है वो मेडिसिन डेली यूज़ करता है, डेली बेसिस पे इसकी मेडिकेशन होती है। और जितनी नज़र आपकी ख़राब हो चुकी है वो दोबारा क्योर नहीं होती, लेकिन जो नज़र बाकी है हम कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल ख़राब ना हो, उसको मेंटेन रखते हैं। और फिर इसकी कुछ सर्जरीज भी की जाती है। ग्लूकोमा ट्रीटेबल है अगर वक्त पे इसको डिटेक्ट किया जाए थ्रू कम्प्रिहेंसिव आई एग्ज़ाम। इसलिए आपको चाहिए कि आप साल में एक बार लाजमी अपना कम्प्रिहेंसिव आई एग्ज़ाम कराए कि डॉक्टर आपको बता सके कि आपकी आईज़ नॉर्मल है, कोई डिजीज़ तो नहीं है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके घर में जितने भी एजेड लोग हैं तो काइंडली आप उनका एक बार आई एग्ज़ाम लाजमी कराएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।